नमस्कार बच्चों, मैं पवन पांचाल, टीजीटी मैथ, गवर्नमेंट हाई स्कूल मढ़ना का पलवल, आप सभी का अपने इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा यह कार्यक्रम हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा एजुसेट के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। आज हम अपने इस क्लास में सीखने वाले हैं मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 14 सांख्यिकी, जिसकी हम एक्सरसाइज 14.3 माध्यक आज हम सीखेंगे। माध्यक, इसे हम पिछली कक्षा में भी सीख चुके हैं, लेकिन अंतर क्या था? 9वीं कक्षा में हमने माध्यक को अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना सीखा था, लेकिन 10वीं कक्षा में हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना सीखेंगे। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, माध्य, बहुलक, माध्यक। ये तीनों आपने 9वीं कक्षा में अवर्गीकृत आंकड़ों का निकालना सीखा, लेकिन 10वीं कक्षा में इन तीनों को, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो 3 माप हैं, इन तीनों को हम वर्गीकृत आंकड़ों का निकालना सीखते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। चलिए, 9वीं कक्षा में हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना सीखा। कैसे? ये एक आंकड़ा दिया गया है, बंटन दिया गया है, एक कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या है और उनके द्वारा टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक हैं 50 में से 6 बच्चों ने 20 अंक, 28 बच्चों ने 29, 24 बच्चों ने 28, इस तरह अंक प्राप्त। तो सबसे पहले हम करते क्या थे, इन अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते थे। सबसे पहले सबसे कम 20, फिर 25 आ गया, उसके बाद देखो कौन सा है, 28 आ जाएगा, फिर कौन सा है, 29 आ जाएगा, फिर हमारा 33, 33 के बाद 38, 38 के बाद 42 और 42 के बाद 43। तो मैंने ये अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है, ठीक है। तो 20 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए थे, 6 बच्चों ने, ठीक है बिल्कुल। 25 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए थे भाई, 20 बच्चों ने, ठीक है। अच्छा, 28 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं, 24 बच्चों ने। 29 अंक कितने ने किए थे, 28 बच्चों ने। 33 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए थे, 15 ने। 38 अंक 4 ने और 42 अंक 2 ने और 43 अंक 1 बच्चे ने प्राप्त किया। सबसे पहले काम यह है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए आप, हमें निकालनी है एक संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होती है, देखो समझ ध्यान से, ये हमारे काम की चीज है और ये 10वीं क्लास में भी काम आएगी जब मैं आपको यहां पर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना सिखाऊंगा। तो ये चीजें काम आने वाली हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं आएंगी आपके। तो अब हमें करना क्या है, हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी, संचय करते जाना है। कैसे करना है, देखो आप ध्यान से समझिए इस बात को। 20 अंक प्राप्त करने वाले 6 बच्चे, मैं यहां लिख देता हूं संचयी बारंबारता, इसको आप यहां भी कर सकते हो, मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा देखो, 20 अंक 6 बच्चों ने प्राप्त करे, 25 तक, इसको मैं लिखूंगा 25 तक कितने बच्चों ने प्राप्त करे, देखो 25 अंक प्राप्त करे 20 ने और 6 बच्चे वो थे जिन्होंने 25 से कम प्राप्त करे, तो 25 तक हो जाएंगे मेरे 20 और 6 26 बच्चे, 25 अंक तक प्राप्त करने वाले बच्चे हो गए 26। 28 अंकों तक, 28 तक कितने बच्चे रहेंगे, 24 तो 28 वाले हैं और 26 पिछले, तो ये हो गए मेरे 50, ठीक है। इस तरह मैं इनको जोड़ते जा रहा हूं, इसे बोलते हैं संचयी बारंबारता, ये हमारे यहां भी काम आई। चलिए ऐसे इसको बोलेंगे 29 तक, तो ये हो जाएगा हमारा 50 और 28 हो जाएगा 78, 78 पंद्रह हो जाएगा हमारा 93, 93 और 4 हो जाएगा हमारा 97, 299 और 1 हो जाएगा 100। तो 43 अंक तक प्राप्त करने वाले बच्चे कुल कितने हैं, 100।
ठीक है। तो ये हमारी संचयी बारंबारता आ गई है। अब निकालते हैं माध्य, बहुत आसान है निकालना। सबसे पहले n देखो, n कितना है हमारा, n है हमारा 100। अगर आपका ये होता विषम संख्या तो बहुत आसान था, केवल विषम संख्या होता, मान लो ये होता आपका 101, तो क्या है विषम, तो आपको माध्य कैसे निकालते हैं, n प्लस 1/2 वाम प्रेक्षण, तो 101 है, 101 प्लस 1 कितना हो गया 102, या 51वां प्रेक्षण, 51वां। तो 51वां कहां, ध्यान दो ये 50 है, 51वां यहां पर है, यहां है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 75, 76, 77, 78 तक, 78वां प्रेक्षण तक यहां पर है, और वो कितना है 29। तो माध्य आपका आ जाता 29। कब, जब ये विषम संख्या होती, और ये फिलहाल है सम संख्या। क्या है ये, सम संख्या है, तो सम संख्या में थोड़ा सा डिफरेंट है खाली, तो उसमें क्या करेंगे, तो हमें n बटे 2वां प्रेक्षण जमा n बटे 2 जमा 1वां प्रेक्षण, इन दोनों का माध्य है। किस तरह देखिएगा ध्यान से, तो 100 बटे 2 जमा 1, तो ये हो जाएगा मेरा 50वां, और ये हो गया 51वां। ठीक है भाई, तो 50वां प्रेक्षण क्या है, 50वां है 28 जमा 51वां क्या है 29, तो ये हो जाएगा 28 जमा 29, ठीक है, भाग दो कर देंगे इनका, भाग दो मतलब माध्य निकालना है इनका, तो भाग दो, तो ये आ जाएगा मेरा 28 और 29 कितना हो जाता है 57/2 काट के 26.5। तो ये मैंने निकाला अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, बहुत ही आसान था, बिल्कुल मिलता जुलता है इससे, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना सीखते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपके बिल्कुल। अब वर्गीकृत और अवर्गीकृत में डिफरेंस क्या है ये समझिए। यहां अवर्गीकृत में क्या है कि हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू दी गई होती है, 33 अंक, 29 अंक, 28 अंक, 25 अंक, 6 बच्चों के 20 अंक, लेकिन वहां वर्गीकृत आंकड़ों में, यहां देखिए वर्गीकृत आंकड़े किस तरह होते हैं, ध्यान से देखिएगा, मान लो यही आंकड़े में यहां लिखूं तो यहां विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, यहां हो जाएंगे अंक, तो ये अंक जो है ना वो इस तरह होंगे, 10 से 20 तक बच्चे थे 6, 20 से लेकर 30 अंक तक प्राप्त करने वाले थे मान लो 4 बच्चे, इस तरह दिए होंगे आंकड़े आपके, ये कहलाते हैं वर्गीकृत आंकड़े। हमारे पास एग्जैक्ट अंक नहीं है, अंक की जो है वो बिल्कुल एक्चुअल मान नहीं है, एक्चुअल मान यहां एक्चुअल मान था 25 अंक, कितने बच्चों के, 20 बच्चों के थे, लेकिन यहां पता नहीं 6 बच्चे हैं, किसी के 11 हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 16 हैं, ठीक है भाई। तो ये थे वर्गीकृत आंकड़े, इस तरह दिए होंगे, और उनका माध्य कैसे निकालेंगे, अब मैं ये आपको कराऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए, एक्सरसाइज 14.3 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये एक बंटन दिया गया है, उपभोक्ता की संख्या है, ये मासिक खपत है इकाइयों में, हमें इनका माध्य माध्य बहुलक ज्ञात करना है, माध्य और बहुलक आपको निकालना आता है, आप सीख चुके हो, मैं इसका माध्य निकालना आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच, सी एफ मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, एफ फ्रीक्वेंसी बारंबारता। चलिए वो अभी आपके सामने नहीं आएगा, इसको मत देखिए, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता क्या है एल, क्या है सी एफ, क्या एफ है, क्या एच है, कुछ नहीं पता आपको, आप बिल्कुल फ्रेश हो, आपको कुछ नहीं आता फिलहाल,
तो चलिए सबसे पहले करना क्या है, कैसे करना है और क्या करना है ये आप समझिए। ये एक प्रश्न आपको दिया गया है, आंकड़े दिए गए हैं, ये वर्ग, ये इनकी बारंबारता है। सबसे पहले हमारा काम क्या है ये देखना कि जो ये वर्ग अंतराल है आपके, ये कंटिन्यू होने चाहिए बिल्कुल। कैसे, 65 से 85, तो यहां पर 86 से 106 नहीं होना चाहिए आपका नंबर, एक बात 65 से 85 है तो 85 यहां आना चाहिए, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, ये ध्यान हो गया, ये है कि नहीं है। अगर कहीं पर इस तरह है 2 से 4, 5 से 7, 8 से 10, अंतर 2 का ही है, सब में अंतर कितना 2 का, लेकिन 2 से 4 और 5 से 7, फिर 4 से 5 के आंकड़े कहाँ गए, 4 से 5 के बीच में गैप रह गया है। तो इस तरह अगर दिया गया हो कहीं पर तो उन्हें आप सही करोगे, कैसे सही करोगे आप इसको, इसको घटा दोगे, इसे कर दोगे 1.5 से लेके 4.5, और यहाँ जाएगा 4.5 से लेके 7.5, ठीक है, और 7.5 से लिया जाएगा आपका 10.5, इस तरह। एक बात तो ये करनी है आपको, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है करने की, आपको सही दिए गए हैं, कंटिन्यू दिए गए हैं आपके। चलिए नंबर 2 क्या करना है, नंबर 2 क्या करना है आपको, ये बारंबारता जो दी गई है इसको संचयी बारंबारता बनाना है। क्या बनाना है, संचयी बारंबारता, आप यहां लिख सकते हो संचयी बारंबारता। ओके बच्चों, 4 और 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 13 जोड़ो तो 22, 22 में 20 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64 और 4 68, जो इनका जोड़ है वही लास्ट में यहां आना चाहिए 68। तो ये संचयी बारंबारता होगी आपकी, ठीक है। अब सबसे पहले n देखो, n कितना है आपका 68 है आपका, n कितना है आपका 68, n बटे 2 क्या हो जाएगा आपका, 68 बटे में 2 काट के आ गया आपका 34। अब 34 को ढूंढना है यहां पर, 34वां प्रेक्षण का होगा 34 हो या 34 से ज्यादा हो, 34 से कम को नहीं लेंगे, ध्यान से सुने बिल्कुल, 34 से कम को नहीं लेंगे, हमें लेना 34 और 34 नहीं है तो 34 से अगला उसके नजदीक का, उसके नजदीक कौन सा बनता है 42, 34 के नजदीक क्या बनता है 42। अगर मान लो यहां 33 भी होता है, यहां होता 33 तो इसको नहीं लेते हम, क्योंकि वो कम है उससे, हम उससे ज्यादा ले सकते हैं 34 से, तो मैंने ज्यादा और ले लिया और नजदीक, तो ये ले लीजिए 42। अब 42वां प्रेक्षण लिया है हमने, इसके सामने, सॉरी 34वां प्रेक्षण के सामने, 34वां प्रेक्षण आपका यहां पर है, तो उसके सामने ये बारंबारता क्या है उसकी 20, इसको बोलते हैं एफ, तो एफ क्या आ गया आपका 20 आ गया आपका, ठीक है। और इसके सामने ये है आपका माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, और उसकी ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, हमें चाहिए लोअर लिमिट एल चाहिए, तो एल क्या आ गया आपका 125, ठीक है बच्चों। उसके बाद एल आ गया, एफ आ गया, और सी एफ होता जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इससे पहले वाली, इससे पहले वाली, ये आपका सी एफ है, ये क्या है आपका 22। अब एन भी आ गया आपका, एफ भी आ गया, एल भी आ गया, सी एफ आ गया, रह गया एच, एच आपको मैं पहले बता चुका हूं इनके बीच का जो गैप होता है कितना है, वो गैप 20 का गैप है, हाँ सॉरी 20 का गैप है, तो एच 20। अब इन सभी वैल्यूज को हम वहां पर पुट कर देंगे, करिए देखो ध्यान से, माध्यक बराबर एल आ गया मेरा क्या आया था 125 प्लस एन बटे 2 आ गया 34 माइनस सी एफ क्या आ गया 22,
ओके, बटे में एफ क्या है 20 और गुना में एच आ गया 20। ठीक है, हम 20 को यहां 20 से काट सकते हैं, तो ये आ गया 125 जमा 34 में से 22 घट क्या बचेगा भाई 12, और 125 बार आ गया 137, तो माध्य आ गया आपका 137। बहुत ही आसान सवाल है, आपको कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता बनाई, एन ले लिया, एन बटे दो ढूंढा कहां पर है 34, यहां मिला 34 प्रेक्षण, उसके सामने ये एफ है, ये हमारा माध्य वर्ग है, वैल्यूज ले ली और आसानी से पुट कर दिया और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं पहले करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को इसके बाद कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये एक आंकड़ा दिया गया है आपको, ये पॉलिसी धारकों की संख्या है, ये उनकी आयु है, इसको समझिए एक बार ध्यान से। वो कह रहा 20 से कम आयु, 20 वर्ष से कम आयु, कितने पॉलिसी धारक थे 2, मतलब उनकी 18 हो सकती है, 19 हो सकती है, 16 हो सकती है, मतलब 20 साल से कम आयु है उनकी 2 के। अच्छा, 6 पॉलिसी धारक ऐसे थे, मतलब 6 पॉलिसी धारक जो थे वो ऐसे थे जिनकी आयु 25 से कम थी, तो 25 से कम में वो भी तो आ गए जिनकी 18 साल थी, 19 साल थी, मतलब ये 2 बंदे भी इसके अंदर आ गए हैं, इन 6 बंदों में, 6 बंदों में 2 भी व्यक्ति आ चुके हैं, क्योंकि 25 से कम में वो भी तो है जिनकी उम्र 18 से कम है। उसके बाद कहा 30 से कम कितने पॉलिसी धारक हैं 24, 30 साल से कम कितने पॉलिसी धारक हैं 24, तो इन 24 में वो भी आ गए हैं जिनकी आयु 25 से कम है, जिनकी आयु 20 से कम है, मतलब ये वाले भी आ गए हैं, ये भी आ गए हैं और ये भी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक तरह की संचयी बारंबारता है, इसमें जुड़ते जा रहे हैं, इसके अंदर इस वर्ग के पॉलिसी धारक भी जुड़े हुए हैं, इस वर्ग के भी जुड़े हुए हैं, तो ये एक तरह से आपकी संचय ही बारंबारता है, ये समझने वाली बात है आपके यहाँ पर। अब इसको धीरे धीरे अलग करेंगे, इनको हम वर्ग अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे, 20 से कम है तो मैं इसको लिख सकता हूं कैसे भाई, देखो ध्यान से, क्या मैं इसको 15 से 20 नहीं कह सकता, 15 से 20, 15 साल से 20 साल के कितने पॉलिसी धारक थे 2, और 20 साल से 25 साल तक कितने होंगे, 25 से कम है 6, तो इस 6 में से इस 2 को घटा देंगे तो क्या बचेंगे 4, तो 4 पॉलिसी धारक ऐसे थे जिनकी उम्र 20 से 25 साल तक थी, मतलब इनमें से माइनस करते जाना है, 6 में 2 गया तो 4 बच गया, और 25 से 30, 30 से कम में ये 6 भी जुड़ रहे थे, इस 24 में ये 6 भी जुड़े हुए हैं, तो इस 24 में से 6 को घटा कर देंगे तो वो आ जाएगा कितना आएगा 18, तो 18 पॉलिसी से धारक ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच की है। चलिए आगे देखते हैं, 30 से 35 इस तरह हम इनको लिख लेंगे, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60। देखो कैसे निकालेंगे, 6 में से 2 को माइनस किया 4 आ गया, 24 में से 6 को माइनस किया 18 आ गया, 45 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास भाई 6 अपने से 21 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 78 में से 45 को माइनस करेंगे क्या आएगा 28 से 5 33 आ जाएगा, ऐसे इसको करेंगे तो क्या आएगा भाई 11 आ जाएगा। अच्छा 92 से करेंगे तो क्या आ गया 3 आ गया, 98 को कटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 100 में से 98 कटाएंगे 2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास बारंबारता आ गई है, मेरे पास क्या आ गई है बारंबारता आ गई है मेरे पास। इसको आप समझ लीजिए ध्यान से कि 15 से 20 साल तक की आयु वर्ग के 2 पॉलिसी धारक थे, 20 से 25 आयु वर्ग के 4 थे, 25 से 30 के 18 थे, 30 से 35 के 21 थे, 35 से 40 के 33 थे, 40 से 45 के 11 थे, इस तरह मैंने इसको कर दिया, तो ये बारंबारता हुई। उसके बाद मेरा काम होता संचयी बारंबारता निकालना, संचयी बारंबारता,
हालांकि मुझे दी गई है पहले से ही, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ, दो दो और चार छः आ जाएगा, छः अठारह हमारा क्या जाएगा 24, और 21 45, और 33 78, और 11 89, और 3 92, और 6 98, और 2 100, इनका कुल जोड़ 100 है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप पॉलिसी धारकों की संख्या, यहाँ आप ये हमारे आयु वर्षों में दी गई है, ये संचयी बारंबारता। अब बिल्कुल पहले की तरह है फार्मूला, आप सभी जानते हो माध्यक बराबर संचय बारंबारता, पॉलिसी धारकों की संख्या, और ये आयु वर्षों में। ठीक है भाई, माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ अपॉन एफ गुना में एच। ये फार्मूला है। सबसे पहले हमें क्या लेते हैं, एन लेते हैं, एन बराबर दिया गया है 100 भाई, तो एन बटे दो क्या हो जाएगा, 100 बटे दो 50। तो 50 में प्रेक्षण कहाँ है देखेंगे, उसे भूलेंगे हम, 45 कम है, यहाँ है 50 में, यहाँ हमारे 46 से लेके 78 में प्रेक्षण यहाँ पर है, 46 47 48 49 51 52 53 मतलब 50वां प्रेक्षण यहाँ पर है। तो इसके सामने जो है ये कहलाता है F। तो F क्या आ गया आपका 33। इसके सामने जो है ये कहलाता है माध्यक वर्ग, और माध्यक वर्ग की ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, निम्नतम सीमा ऊपरी सीमा, ये है L। L आ गया आपका 35। इसके बाद CF, CF क्या होता है इसके पहले वाला, ये आ गया 45। अब क्या लग गया H, H क्या होता है इनके बीच का अंतराल, हमने क्या लिया 5 का लिया है, तो H आ गया 5। इन वैल्यूज को अब यहां पर हम पुट कर देंगे और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए जल्दी से करता हूं मैं, तो ये हो गया L, L क्या है 35 प्लस एन बटे दो मेरा 50 माइनस सी एफ क्या आ गया भाई 45 बटे में F 33 गुना में एच 5। तो 35 जमा ये 5 बचा भाई, गुना में 5 करिए 25 आ गया भाई, और बटे में 33, तो ये आ जाएगा 35 प्लस के 25 बटे 33। इनको क्वांटम निकाल देंगे यहाँ से भाई, और इसमें जोड़ देंगे। क्वांटम निकालना आप इस तरह कर सकते हो, आप 250 33 छक्के 3 छक्के 21 24 70 हो जाएगा, 7 या 21 2 7 21 23 10 में से क्या 9 19 एक जीरो होता नहीं 3 छी 18 180 नहीं जाएगा, पंजे भी जाएगा 33 पंजे 15 और 100 5 और 8 में से गए 2 तो इतने बहुत है। तो ये आ गया 35 प्लस के 0.75 और ये आ गया 35.75 माध्यक। ठीक है भाई, इस तरह हम इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन और करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक आंकड़ा दिया गया है आपके सामने, वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, और इस आंकड़ों की जो माध्यक है वो 28.5 दिया गया है। पहले अब आपको क्वेश्चन, जब माध्यक ही दे दिया तो करना क्या है, यहां पर हमारे पास दो बारंबारता लुप्त है, लुप्त कह लो या ये अननोन है, अज्ञात है, एक्स और वाई इनको कहा गया है, मुझे नहीं पता ये कितनी है, 2 है 8 है 10 है 12 है 13 है, कितनी ये है पता नहीं, दो चीज अननोन है। ठीक है, माध्यक दिया गया है, माध्यक का फार्मूला होता है ये, अगर होती केवल एक चीज अननोन होती तो हम उसको इस समीकरण के माध्यम से निकाल देते, क्योंकि एक समीकरण से एक अननोन वैल्यू हम पता कर सकते हैं, लेकिन यहां पर दो वैल्यू नहीं पता एक्स और वाई, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, इन सब का योग क्या दिया गया भाई 60। चलिए जोड़ते हैं इनको, 5 जमा 20 25 और 15 40
जमा पांच 45। तो मैं इसको कह सकता हूं क्या भी कि 45 जमा एक्स जमा वाई। तो एक समीकरण तो आपने ये बन गया, 45 को इधर ले आएंगे, इसको मैं चलो यही कर देता हूं। तो ये 60 क्या है, टोटल जोड़ बारंबारताओं का योग 60 बराबर क्या है 45 प्लस के x जमा y। तो देखिए ध्यान से, 45 को इधर लाएंगे हम, 60 माइनस के 45 और x जमा y, ये बचेगा 15 बराबर x प्लस के y। तो एक समीकरण तो आपके पास ये आ गया। चलिए मैं इसको यहां रख देता हूं, एक्स प्लस वाई बराबर 15। एक समीकरण हमारे पास ये आ गया। दूसरा समीकरण हम यहां से बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे, माध्यम पता है ये है एल, मैं भी निकालूंगा जैसे पिछले सवालों में मैंने निकाला था एल एन बटे दो सी एफ एफ, उस तरह निकाल के उनकी वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो एक समीकरण वो बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए ध्यान से आप, एक समीकरण तो मैंने बना लिया भाई x प्लस वाई बराबर 15। अब चलिए हम माध्यम निकालते हैं, हमें नहीं पता माध्यम क्या है, नहीं पता। तो माध्यम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, संचयी बारंबारता निकालते थे, संचयी बारंबारता ये आ गया 5, इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 5 जमा x, ये क्या बन जाएगा 20 और 5 25 जमा x, इसको जोड़ा ये क्या हो गया 40 जमा x, फिर ये आ गया, ये हो गया 40 जमा x जमा y, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 45 जमा x जमा y। तो ये आपकी क्या आ गई, संचयी बारंबारता आ गई आपकी, संचयी बारंबारता। चलिए n क्या है 60, एन बटे दो क्या हो जाएगा भाई 60 बटे दो 30, 30 आ गया हमारा। तीसवा प्रेक्षण ढूंढेंगे ध्यान से कहां होगा, देखो 25 तो यहां है ही भाई, 25 तो यहां पर है ही हमारा, और x भी कुछ ना कुछ है, x भी कोई ना कोई संख्या है, तो 25 और x जब जोड़ेंगे तो ये शायद क्या बन जाएगा 30 बन ही जाएगा हमारा। ठीक है तो हम इसको लेते हैं यहां पर, तो शायद तीसवा प्रेक्षण यहां है, तीसवा प्रेक्षण हमारा यहां है, तो इसके सामने, इसके सामने ये क्या कराएगा f, f क्या हो गया हमारा 20, और ये क्या है हमारा माध्यक वर्ग, तो लोअर लिमिट l क्या हो गया हमारा 20, l 20 हो गया, अच्छा f आ गया, l आ गया, cf, cf क्या होगा भाई इससे पहले वाला 5 जमा x, ये सी एफ आ गया। ठीक है और एच क्या हो जाएगा गैप 10, तो सारी वैल्यू आ गई है, इन सब वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, देखिए कैसे माध्य क्या था 28.5 बराबर एल क्या था 20 जमा एन बटे दो क्या है 30 घटा सी एफ क्या है 5 जमा एक्स, बड़ा ही थोड़ा छोटा है ये 5 जमा एक्स अपॉन में क्या है एफ, एफ कितना भी देखो 20 और गुना में एच कितना है 10। ठीक है 28.5 बराबर 20 जमा घटा अंदर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये 30 माइनस का, तो 25 बचेगा, 25 प्लस के एक्स बचेगा, सॉरी एक्स माइनस का आएगा, बाहर माइनस है तो ये 5 माइनस का हो जाएगा, एक्स भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 30 25 और माइनस एक्स अपॉन 20 गुना 10 ये काटा हुआ है। ठीक है चलिए आगे देखिए 28.5 ये 20 है, ये बचेगा 25 माइनस एक्स बटे में दो, प्लस 20 को उठा के इधर ले जाएंगे माइनस में, तो 28.5 माइनस का 20 बराबर 25 माइनस एक्स अपॉन दो, तो
तो क्या बचेगा भाई, देखो ये बचेगा 8.5। ये दो ऊपर जाएगा, कहा जाएगा गुना में, दो को ले जाओ ऊपर, तो ये आ गया 25 माइनस एक्स। कुछ नहीं कर रहा हूं, एक समीकरण है इसको सॉल्व कर रहा हूं। इस समीकरण में अननोन क्या है, एक्स अननोन है, अज्ञात है, और एक समीकरण से मैं एक अननोन वैल्यू को आसानी से निकाल सकता हूं, वो निकाल रहा हूं। देखो तो ये गुणा करके 2 × 5 = 10, 1 × 2 = 16, 17.0 और ये गया 8.17 बराबर, ये बच गया 25 माइनस एक्स। माइनस एक्स को इधर ले जाइए, प्लस का एक्स हो गया, 25 पहले से ही है, 17 आके माइनस 17 हो गया, क्या बचेगा भाई देखो ध्यान से, 5 × 3 = 8, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 8 आ गई, ठीक है भाई। अब इस x की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे इस समीकरण में, तो ये आ जाएगा यहां देखो, मैं कर देता हूं चलो इसको भी, बराबर 15, तो 8 जमा y बराबर 15, y 8 जाएगा माइनस कर, तो ये रह जाएगा y बराबर 15 घटा 8 बराबर रह गया 5, तो y की वैल्यू आ गई मेरी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान था, x और y की वैल्यू निकालनी थी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि थोड़ी सी नई बात है, हालांकि मैं आपको बता भी चुका हूं पहले, ये हमें आंकड़े दिए गए हैं, ये पत्तियां हैं और ये इनकी लंबाई है mm मिलीमीटर में, हमें पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है, माध्यक लंबाई, माध्यक का फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है, एल प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने आपको बताया होगा, याद होगा तो, कि ये जो वर्ग अंतराल है आपका 118 से 126 और 127 से 135, अब 126 से लेकर 127 के बीच की जो लंबाई है वो यहां पर मिसिंग है, गायब है, लुप्त है, तो हमें जो ये वर्ग अंतराल होते हैं ये बिल्कुल कंटिन्यू होने चाहिए, कंटिन्यू, जैसे 118 से 126 है तो 126 से 135 होना चाहिए था। तो इसे सबसे पहले सही करने के लिए हम क्या करेंगे कि 0.5 इसको बढ़ा देंगे, 0.5 इसको घटा देंगे, जैसे कि मान लो एक बच्चा यहाँ पर है एक बच्चा यहाँ पर है, तो हम दोनों को मिलाने के लिए करते हैं, मैं थोड़ा सा दूर तू आ जा, थोड़ा सा वापस मैं आ जाता हूँ, करते हैं भाई। मान लो ये है हमारा दिल्ली है, ये हमारा आगरा है, तो हम कहेंगे दिल्ली से भाई कुछ दूर चल के तू आ, कुछ दूर चल के मैं आ, बीच में हम मिल लेते हैं, तो ऐसे ही कुछ दूर इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको कुछ दूर पीछे की तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारे जो बनेंगे, जो हमारा नया वर्ग अंतराल बनेगा वो क्या बनेगा, एक बार ध्यान से देखिए आप उसको, तो इसको भी पीछे करेंगे तो ये बन गया 117.5 से लेकर 126.5 तक, और इसको वापस किया तो ये हो गया 126.5 से लेकर ये हो जाएगा 135.5 तक। ओके भाई, इसी तरह इनको हम करते चले जाएंगे, तो ये हो गया 135.5 से लेकर 144.5 और ये हो जाएगा हमारा 144.5 से लेकर बन जाएगा 153.5 और ये हो जाएगा 153.5 से लेकर 162.5 और ये हो जाएगा 162.5 से लेकर 171.5 और 171.5 से निकल जाएगा हमारा 180.5। बस ये इसमें नई बात थी, ये समझ में आ गया तो कुछ नहीं है, बाकी सेम है सब कुछ, तो ये नए वर्ग अंतराल हो गए हमारे। इसकी 12 मार्क लिख दीजिए सामने, 3, ये 5, 9, ये 12, ये 5, फिर 12 ये हमारे 4 और ये हमारे 2। इसके बाद हम क्या करते हैं भाई, संचयी 12 मार्क निकालते हैं, संचयी इसको निकाल लीजिए, 3, 5, 8, 9, 17 और 12 29 और 5, 34 और 4, 38 और 2, 40। अब इसके बाद बिल्कुल सेम पहले की तरह जैसे मैंने कराया आपको, एन लेंगे सबसे पहले, एन क्या है 40 है,
एन बटे दो क्या हो जाएगा 20। अब 20 को ढूंढो कहां होगा, 20 वहां परीक्षण यहां है आपका, ठीक है। तो इसके सामने ये क्या कहलाएगा एफ, तो एफ आ गया 12 और इसके सामने ये कहलाएगा मेरा माध्यम वर्ग, तो ये है उसकी लोअर लिमिट, तो एल आ गया मेरा 144.5, ठीक है बच्चों। उसके बाद लेते हैं सी एफ, सी एफ क्या होगा इससे पहले वाला 17। अब रह गया एच, एच क्या है, एच यहां जो वर्ग अंतराल है वही लेंगे 9 का है, इनकी घटा कर दीजिए क्या आएगा 9 आएगा, इनके बीच का जो गैप हो कितना है 9, यहां पर 8 है, ये नहीं लेना है हमें, हमें अब ये लेना है, ओके बच्चों। एच आ गया मेरा 9, इन सब की वैल्यू हम यहां कर देंगे, बहुत ही आसान है। एल क्या था भाई 144.5 प्लस एन बटे दो क्या था 20 माइनस सी एफ क्या था 17 अपॉन एफ क्या था भाई 12 गुना में एच 9 145 जमा 17 के 3 बचा 3 बटे 12 गुना के 9 आ गया। आप इसे चलिए डायरेक्ट कर लीजिए मेरी कोई बात नहीं, तो कह सकते हो 3 कम 3 3 चौक 12 9 बटे 4, इनका पॉइंट निकाल देंगे 9 बटे 4 का भी क्या आएगा देखो ध्यान से, 4 दूनी 8 पॉइंट 4 दूनी 2 बचा सॉरी 4 दूनी 20 नहीं सॉरी 9 बटे 4 नहीं 4 दूनी 8 बचा पॉइंट 10 फिर 4 दूनी 8 2 बचा 4 पंजी 20 यह आएगा। अब इन जमा कर देंगे 145 पर 2 147.25 पत्तियों की माध्यक लंबाई आ गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह आप बाकी के जितने भी प्रश्न हैं इस एक्सरसाइज के उन सभी को आप कर लोगे, सब में यही निकालना है। हाँ जो पहले प्रश्न थे पहला दूसरा जो था उनमें आपको माध्यक के साथ साथ माध्य और बहुलक भी निकालना था, तो वो आप अपने आप निकाल लोगे, मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में समझा चुका हूँ, मैंने यहाँ पर वो दोबारा नहीं करवाई। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.3 एकदम कंप्लीट है, उम्मीद है आप बाकी के सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।